मुबारक लाल जी सबसे ज्यादा मुबारक इतने एफर्ट करने ही आप इतने पुजे आज थैंक यू सबनों जी बड़ी बड़ी मुबारक बाकी आप हर जगह पे वो करके बल्कि आपने तो हमारे स्टाफ को पैम्पर कर दिया है इतना तो आज तो हो जाएगी बाकी जगह भी जितना कर सकते थे सभी ने किया है वो तो ये जॉइंट एफर्ट है अभी देखते हैं अभी इनिशियली हम आ गए ये है ना पोर्च हमारा बेस्ट व्यू लगता है यहाँ से यहाँ पे हम वो झंडा लगाएंगे यहाँ पे 15 बजे एक ले लो आप यहाँ पे एक्चुअली हेल्थ सेटअप जो है हमारा ये अब थोड़ा गवर्नमेंट बड़ी पर्टिकुलर है इसे कि डोर स्टेप पे विलेज लेवल पे जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हेल्थ फैसिलिटी हर लिहाज से हर किस्म से मिली जाए. जो हमारा घराना सब सेंटर था ये अपग्रेड हो गया था PSC पे तो लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो सेटअप था वो उतना रिक्वायरमेंट में फॉलो नहीं कर रहा था. तो हमारे यहाँ के लोकल जो PRIs हैं इन लोगों ने इसे इनिशिएट किया क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी देर से बन रही थी लेकिन बीच में इसका काम रुक गया था. तो जब हम लोगों ने पिछले साल ज्वाइन किया हम लोगों का PRIs के साथ थोड़ा एसोसिएशन हुआ तो ये गुरदयाल जी हैं यहाँ के सरपंच जी इनके एफर्ट से इन्होंने अपनी काफ़ी एफर्ट इसको जल्दी कंप्लीट करने में इसे लगाया और विद इन 5-8 months में इन्होंने सारे डिपार्टमेंट जो कंसर्न थे उनके साथ मिलके इसे आज की जो शेप दी है पूरा कंप्लीट किया. तो आज ये फंक्शनल हो चुका है तो मैं समझ रही हूँ कि ये बेल्ट नीडी है बड़ी इस चीज़ की हेल्थ फैसिलिटी की. तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि बीच बीच में हम अपने स्पेशलिस्ट को ला के यहाँ पे कैंप वगैरह रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट हेल्थ के रिलेटेड दे सकते हैं वो हम इनको देने में कुछ अपना प्रयास करेंगे. थैंक यू. देखिए ये बॉर्डर एरिया है यहाँ पे अक्सर फायरिंग वगैरह होती रहती है उसको देखते हुए यहाँ पे जो NTPSC अपग्रेड हुई थी उसका काम जो है वो काफ़ी देर से चल रहा था लेकिन बीच में ये बंद हो गया था. उसके बाद में जब से हमारे जो नए हमारे BMO मैम हैं जब से ये आए हैं इनके साथ मिलके हमने इसके ऊपर काम किया. उसके बाद में इसके एस्टिमेशन वगैरह करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ फ़ंड वगैरह मांगे गए और उसके बाद में इसका काम जो है PWD विभाग की तरफ से कंप्लीट किया गया है. ये काफ़ी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अक्सर यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉर्डर फायरिंग होती रहती है. अब तो काफ़ी कुछ 1-2 साल से बंद पड़ी है लेकिन दुश्मन का कोई पता नहीं है कब फायरिंग हो जाएगी और कब इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी. वैसे भी आपने पिछले टाइम पे देखा है जो कोविड चला है उसके दौरान काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं लोगों को सामना करना पड़ा है. आई होप कि इसके बनने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और मैं यहाँ पर पहुँचे अपने सभी साथियों और स्टाफ और BMO मैम सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ और इसके साथ ही सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं.